क्या किट्टी पार्टी? अरे वो भी सिमर के घर में? अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ भाई टाइम तो लगेगा ना, सिमर के घर में किट्टी पार्टी है तो मुझे भी जरा भूत मेकअप करके जाना होगा, क्योंकि आई एम श्योर उसके घर की किट्टी पार्टी भूतों की किट्टी पार्टी होगी। चलिए मैं जरा अपना भूत मेकअप करके जाती हूँ उसके घर। भाई ये माजरा क्या है, हो क्या रहा है? अरे भाई हम आपको बता देते हैं कि माजरा क्या है। दरअसल आज के आज ही सिमर और गुरुमा के हॉस्पिटल वाले सीन्स करने हैं, इसीलिए पहले सिमर हैरान परेशान पहुंची गुलाबी साड़ी में, जब उन्हें पता पड़ा कि गुरुमा कोमा से बाहर आ गई है। गुरुमा जो है वो हमारे घर पे एक पूजा करने के लिए आई थी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और वो कोमा में चली गई। अब उनको होश वापस आ चुका है, लेकिन वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है, इसलिए मैं यहीं पर आकर उनसे मिलती हूँ। फिर सिमर पहुंची हाथ में कड़ा लिए गुरुमा से मिलने। वैसे सिमर ये कड़ा आप क्यों लेकर आई है, ये किसका कड़ा है? माता जी का? अब उन्होंने एक दूसरा तरीका बताया है कि माताजी की कोई निजी चीज़ अगर मैं लाके उनको देती हूँ तो उस पर कुछ मंत्र करके मुझे दे रही हैं वापस, और मुझे वो घर पे जा कर के रखना होगा, उससे शायद मुझे पता चल जाए कि वो आत्माएं कहाँ हैं क्या हैं। आपको बता दें कि सिमर माताजी को बहाने से हॉस्पिटल लेकर आई है ताकि वो गुरुमा से मिल सके। मैं जो करना है जल्दी करो, अस्पताल की पूछ से मुझे उल्टी आती है। लेकिन ये क्या, माताजी को पता पड़ ही गया कि गुरुमा यहाँ एडमिट है और कोमा से बाहर आ गई है। मैं माताजी को यहाँ पे एडमिट करने के लिए लाई, तब माताजी ने पीछे से देख लिया कि मैं एक्चुअली गुरुमा को लेकर आई। अब भाई सिमर इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, और इसीलिए माताजी तुम्हें 1000 समोसे बनाने की सजा देने वाली है। क्या है ना, माताजी को आजकल भूख ज्यादा लगने लगी है। वैसे सिमर के ससुराल में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स आना बाकी है, जो देखना दिलचस्प होगा। श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।